अस्सलाम वालेकुम जी बॉयज़, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग एंड अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक ठाक खैर खैरियत से बहुत मज़े में होंगे और आपका आज का दिन बड़ा खूबसूरत गुजर रहा होगा। आज के दिन में और आज की वीडियो में क्या देखने को मिले कुछ नहीं पता। गाड़ी के इतने काम हैं कि पिछली वीडियो में जब मैं एडिट कर रहा था मैंने देखा कि मैंने कुछ चार दफ़ा बार बार यही बताया कि गाड़ी के क्या क्या काम रह गए हैं। खैर जी, गाड़ी के बहुत सारे काम हैं, वक्त बहुत कम है, हमने पहुँचना है 10:00 जाके गाड़ी अपनी खड़ी करती हैं, आज से ही काम शुरू करेंगे। चार दिन हमारे पास टाइम एंड ट्यून पे हैं, उसके बाद हमारी गाड़ी सुरखेल भाई के पास जाएगी। एक दिन सुरखेल भाई देंगे, गाड़ी के कुछ काम शाम करेंगे और उसके बाद एक दिन या उसके बाद वाला एक दिन या फिर जो एक दिन होता है ना कि एक दिन एक सरप्राइज़ भी मिलेगा आपको। दुआ करें उसके लिए, बस जो भी हो इंशाल्लाह अच्छा हो और हमारे हक में बेहतर हो। फिलहाल ज़रा हमने एहसान अंसारी को पिक करना है, उनको पिक करें और चलें, लेट्स गो टाइम एंड ट्यून। बंद कर दियो, बिजली बहुत महंगी है। वेरी 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 डर्टी बीएमपी, वेरी डर्टी। अच्छा जी, हमने रास्ते में से टायर पकड़ना है इसका, क्योंकि ये तो फिर भाई वाह छोड़ रही है। मर्जी है आपकी यार, मर्जी है। एग्जॉस्ट के बाद तो माशाल्लाह गाड़ी की आवाज़ वैसी बड़ी कम हो गई है, लेकिन ये जो ग्रोल आ गया ना ये बहुत बजेगा माशाल्लाह माशाल्लाह। बिस्मिल्लाह जी, हम रवाना हो चुके हैं अपने सफर पर और एहसान अंसारी वॉक कर कर के काफ़ी आगे तक आ गए हैं। सुना है, जाके देखते हैं किधर तक आए। गाड़ी की आवाज़ माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हो गई, बड़ी मध्यम और बड़ी सॉफ्ट। जब आप पैर दो तो ज़्यादा आती है। बेसिकली चैम्बर्ड एग्जॉस्ट है जी, या इसका ब्रांड वगैरह पता नहीं, मैंने देखा नहीं कुछ ज़्यादा ही। आपका भाई आजकल लेजी हुआ है, लेकिन ब्रांडेड एग्जॉस्ट है, चैम्बर्ड एग्जॉस्ट है। चैम्बर्ड एग्जॉस्ट का काम ही ये होता है कि वो जब हल्की हवा उसको आती है ना तो उसको डैम्प करता है। यार ये वाला बड़ा अजाब है, इस तरह गुजारनी पड़ती है, फिर नहीं लगती। सान सारी किधर है भाई, नज़र नहीं आ रहा। अस्सलामुअलैकुम बहुत प्यारे, इतना तैयार त्यार हो गए, मक्खन बन के आप खड़े हुए हैं। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक है, अस्सलामुअलैकुम, शुक्र है लगा आप सुने। अरे जी, और सब ठीक ठाक? की हाल चाल है? ठीक हो ना ब्रदर? किधर जा रहे हैं? सलवार कमीज हसद करते हो, कॉपी किया मुझे भाई। आपने शीशा ऐसे उतार लिया जैसे हम नथिया गली चले आए। ठंडी ठंडी वाह यार, कुछ कर रहा हूँ ना आप? अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके। जी निकल पड़े अपने सफर में जाके, जरा हमने पहले रिम पकड़ना है रास्ते में से और फिर अपना सफर कंटिन्यू करते हैं। भाई आवाज आप बताओ है कम के नहीं? आवाज है लेकिन बहुत खामोश है गाड़ी। दूर से आ रहे थे, ये देखो चल रहा था वो, तो ग्रोल आ गया ना एक। ओहो शिट, स्टैटिक स्टैटिक। 12 सेकंड्स लेटर, क्विक लिटिल स्टॉप फैसल डाउन में। बीएम की अपनी सबसे पसंदीदा जगह है क्योंकि यहाँ से सारी मार्केट से टायर ही टायर मिलते हैं और इसको माशाल्लाह अगले तो नहीं लेकिन पिछले टायर खाने पीने का शौक है। खैर फिलहाल जरा अपने सही वाले रिम पे टायर चढ़वा लें और वो गाड़ी को लगवा लें। ओहो ग्रिल देखो बॉस, ग्रिल बेचारी ग्रिल कह रही है भाई मुझे ठीक कर लो प्लीज, मैं तंग आ गई हूँ अपनी लाइफ से। डाले और रिम 18 का है, टायर 17 का चढ़ा रहा है। ओ सही कह रहा हूँ। नहीं चढ़ता ही नहीं यार, देख नहीं चढ़ रहा। किधर चढ़ रहा है? नहीं चढ़ रहा, लड़ी जा रहा है उसके साथ। रिम टायर हमारा वापस फिट हो चुका है और हमने अभी फिलहाल कोई शॉपिंग शॉपिंग नहीं की क्योंकि टायर माशाल्लाह महंगे बहुत हो गए हैं, इसीलिए अभी हमें फिलहाल तो कुछ समझ नहीं आया। लेकिन एहसान अंसारी ने एक आधा टायर परचेजिंग कर लिया, ये इन्होंने ले लिया और सेट पड़ा हुआ है। अच्छा जी, एक टायर है, सेट पूरा लिया आपने? हाँ। माशाल्लाह भाई, रिच फ्रेंड, वेरी गुड। ये टायर है जी, ये अपना दूसरा रिम टायर है। अब आज के सारे कामों में ना एक और मिशन शामिल है, वो है जी ये कि हमने अपने सिल्वर वाले जेनवन वाले रिम्स है ना, इन सब पे से टायर उतरवाने हैं।
एक्सक्यूज मी। Hence proved my V8 BMW is माशाल्लाह a daily driven car. इसको आप जिधर मर्जी लेके जाएं, लेकिन वो आगे वाली रोड देख के मुझे डर लग रहा है कि ये क्या हो रहा है। अंसारी भाई किधर? इस साइड पे ये स्टैंड सब आप ही करते हो भाई, मैं भूल गया हूँ। यार जो टाउन ही सही कर दो भाइयों, रोजाना होता है यार, मर्जी है आपकी भी वैसे। क्लियर। Few moments later. ये सुहेल भाई है, ये शहजाद भाई है, दोनों भाई डॉक्टर भाई है। हाँ भाई काम तो सुने ना, काम बथेरे है, काम सुने यार, काम भी नहीं सुन रहे यार सुहेल भाई। पिछली ये नंबर प्लेट वाली पट्टी होती है वो मैं आपको अभी ला के देता हूँ, वो लगानी है हमने। डोर हैंडल ठीक करना है, अंदर वाला गत्ता ठीक करना है, अगला बम्पर ठीक करना है, इस साइड वाली पट्टी ठीक करनी है, वो नीचे लाइटों के नीचे नहीं उसमें थोड़ा गैप है वो ठीक करनी है, उसके बाद बोनट की तार डालनी है, उसके बाद क्या था, पैनल पूनल को ये कहा था ना कहीं से खुला, इधर लगा दूँ बब्बर शेर। जाओ यार वाज भाई, जरा सुबह सुबह मुशक्कत करो ना थोड़ी सी। तो जी बॉयज टाइम एंड ट्यून हम पहुंच चुके हैं, और मजा वाजपेयी भी सुबह सुबह मौजूद है, इन्होंने भी नाश्ता नहीं किया, मैंने भी नाश्ता नहीं किया। नाश्ता करना ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, वक्त होता जाता है कुछ 4 बजे का। सारे काम शाम जो बाहर के थे वो हो गए कंप्लीट। ओके अब जो बात है ना वो है जी शहजाद भाई पे और सुहेल भाई पे, क्योंकि डेंटल से रिलेटेड काफ़ी सारे छोटे छोटे काम बी एम प्यारी में निकल आए थे जो कि होने लाजमी थे। अब सुहेल भाई शहजाद भी आपस में मशवरा कर रहे हैं कि इसके बोनट की तार का क्या किया जाए, क्योंकि जेन्युइन वाली तो हम लेने से रहे, तो अब कुछ ऐसे ही करना पड़ेगा, आगे देखते हैं। लेकिन फिलहाल ज़रा नाश्ता कर लें, बोला नहीं जा रहा। सुहेल भाई लव यू, और शहजाद भाई लव यू। डोर हैंडल भी लगने को है माशाल्लाह। आज भी दिखाना क्या दिखा रहे आप? Maybe I am unlucky in relationship, but ये बात भाई फ्रेंडशिप बस आया था आपको। रोटी खोल की फी क्या बात, आज मिर्चों वाली बिरयानी चलेगी है बब्बर के। न्यू केबल यस बॉस। सुहेल भाई ये लग जी, न्यू केबल इज हियर। वो वापस हो गई थी वो वाली, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। हम डल गई है, बत्तियां चल गई हैं। करे चेक करे जरा आराम आराम से जरा। इंशाल्लाह शुक्र है अल्लाह का भाई, अब बाहर से मैं गाड़ी तो खोल सकता हूँ ना, बार बार मुझे अंदर जाना पड़ता। नहीं अब नहीं होता इंशाल्लाह। अभी जरा टाइम गुजर गया, 7 बज चुके हैं, और गाड़ी के काम शाम की अपडेट कुछ इस तरह की है। गाड़ी की दोनों फ्रंट ग्रिल्स जिनमें मसला मसाइल था ये दोनों उतर के प्रॉपर तरीके से फिट हो गई हैं, और अब ये पक्की हो गई हैं, कहीं भी नहीं जाएंगी इंशाल्लाह। हमारी ये जो पट्टी है इसका एक नका हल्का सा टूटा हुआ था, तो उसको हमने हल्की सी सिलिकॉन लगा दी है ताकि वो अपनी जगह पे बैठा रहे। फिलहाल टेप लगाई है ताकि वो अपनी जगह एक दफा बरकरार कर ले, उसके बाद ये टेप उतर जाएगी। साइड पैनल्स में भी थोड़े से गैप्स आ गए थे, साइड पैनल्स भी ओके हो गए हैं। ये वाले इशारे मैंने ले लिए हैं, ठीक है ना, ये अब अगली वीडियो में आपको नजर आएंगे और लगाएंगे भी। ये पैनल भी ओके हो गया, और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक बार फिर हमारी ये गाड़ी बाहर से खुल रही है, बाहर से बंद हो रही है। चेंज ऑफ प्लान्स हो गया जी, चेंज ऑफ प्लान्स। 8 बज गए हैं, गाड़ी को हम छोड़े हैं, अभी हम शेबीएस की वैगन आर पे, ये भाई भी हमारे साथ हैं। आजकल बहुत फास्ट हुई हुई है, फुल केचअप इज नाइट्रस, बस गंजा होना बाकी रह गया, गंजा होना रह गया, बाकी सारा कुछ कर लिया। खैर जी फिलहाल अपडेट कुछ इस तरह का है कि सारी भाई के रिम्स पे भी टायर चढ़वाने थे, तो इनको भी लेके चल रहे हैं। रास्ते में से हमने पिक करनी है जी अपनी बीएम के जेन्युइन वाले रिम्स, और चेंज ऑफ प्लान्स और चेंज ऑफ एवरीथिंग इज दिस कि हम अपने जेन्युइन वाले रिमों पे से टायर उतरवाएंगे और फिर वो रिम लेके जाएंगे किधर, वो आपको पता चलेगा रात को। बहरहाल प्लान बन गया है, हम रात को जा रहे हैं नए रिम लेने बीएम प्यारी के। ओए सियालकोट नहीं जाना, गुजराला जा रहा पागल, सियालकोट ही जाना। गजब टू बी बाजार यार जी, रात को जब तक हमने निकला नहीं है तब तक के लिए गुड नाइट, मिलते हैं, चलते हैं सियालकोट और जाके देखते हैं कि हमारी बीएमडब्ल्यू के लिए नए रिम कौन से हैं।
अगला दिन आ चुका है, लेट्स गो। ज्यादा बातें नहीं करते, लेट हो गए हैं, सियालकोट जाना है, दस्ती दस्ती वापस आना है। आज की पार्टनर हमारी ईके प्यारी, इंशाल्लाह हमें खैर वापस चले गए सियालकोट जाएगी और खैर वापस चले गए वापस आएगी। नवी चौधरी भी हमारे साथ मौजूद है। भाई अभी सो के उठे, इनको सही तरह भी होश नहीं आई, लॉक हो गया भाई, पक्की बात है। ओके लेट्स गो। कुछ चीज़ें जो हमें चेक करनी है, हमारे रिम टायर अभी उतरे हुए हैं क्योंकि हमने वो पेंट कराने थे, दूसरे वाले लगे हुए हैं, लेकिन ज़रा अभी फ़िलहाल हम ना पानी शानी गाड़ी का चेक कर लेते हैं फटाफट। बिस्मिल्लाह पढ़ के जी, सफ़र की दुआ पढ़ के अपना सफ़र करते हैं जी शुरू। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हमने जाना है यहाँ से सीधा सियालकोट, और सियालकोट से ओए ओए सियालकोट जो रिम लेके जाने वो किधर है? अरे भी भूल गया। कभी प्रोजेक्ट शुरू करके हम भूल ही गए थे, उसके बाद कभी सोचे ही नहीं। पिछले दिनों हुआ कि यार रिम ही पेंट करवा लें, तो इसके रिम दूसरे लगा दिए थे। अगली बॉडी गेट उतर गई, पता नहीं क्यों उतारी थी, याद भी नहीं है। बहुत कार चल रहा है ना अपने पास, रिम हमने अब फाइनली पकड़ ली है, और अब 5000 का पेट्रोल में डलवा लिया था, कुछ कितनी हुई सही ऊपर चली गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सफर शुरू करते हैं, देखते हैं जी ये एवरेज कितनी करती है। आज इसकी लॉन्ग पे एवरेज टेस्ट भी हो जाएगी, लेकिन अभी कुछ पता नहीं है, हो सकता है हम जरा थोड़ा सा तेज जाएं, थोड़ा सा तेज आएं, क्योंकि टाइम शॉर्ट है। तो लेट्स सी, टायर प्रेशर और रिम शिम कसाइयां शसाइयां वेरी इंपॉर्टेंट, गेटिंग इट डन। सियालकोट टूल प्लाजा, ये नहीं, ये वो काला शाह टूल प्लाजा से उतर के सियालकोट मोटर वे चढ़ने के लिए ना, M11 चढ़ने के लिए हम इधर पहुंच गए हैं। कैश लेन में खड़े हुए हैं और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जैम है। उसके अलावा आज जो चीज़ मैं नोट कर रहा हूँ ना, ज़्यादा हर गाड़ी इधर जाते हुए सजी हुई है जी, हर गाड़ी दूसरी सजी हुई है, तो हैंस प्रूफ्ड के लोगों के पास ज़िंदगी में कुछ है करने को। लोग माशाल्लाह शादी ब्याह कर रहे हैं, एक हम ही वेले हैं गाड़ी के रिम लेने के लिए सियालकोट जा रहे हैं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा, फिलहाल रिम भी सही। ऑटो वाले भाई प्लीज देखे, इस तरह ना करें, अच्छी बात नहीं होती, मैनर्स के खिलाफ बात है। देर कहते ने कर्जे नहीं लत दे, हेलो व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस। एंड वी आर हेयर सियालकोट के अंदर, और ये देखे ये कौन है, ये हमारे वो फ्रेंड दाऊद भाई जिनके बारे में हम अक्सर जिक्र करते रहते हैं, वो हैं, और उनकी खूबसूरत माशाल्लाह बहुत खूबसूरत काली E46, काली की बात ही क्या है भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये भाई भी माशाल्लाह माशाल्लाह कर रहे हैं। सर बच गए, बच गए हैं आप, आपकी गलती है, आपको पता है, इसीलिए आप कुछ नहीं कह रहे। ये है जी वो गाड़ी, ये है जी हस्ती साहब दाऊद भाई जी, ग्रेट। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? ठीक है, खुश बाश हैं। दाऊद भाई के बारे में काफ़ी दफ़ा हम जिक्र कर चुके हैं अपनी वीडियोस में, जैसे कि सामान से रिलेटेड, जब हमने डोर हैंडल लेना था, हमने मीटर लेना था, हमने एक्स्ट्रा स्टेयरिंग लेना था, पुराने वाले रिम हमने जिनसे लिए थे, वो सारा कुछ दाऊद भाई के थ्रू ही होता रहा। ये है जी दाऊद भाई की E46 और 318 आई ब्लैक, माशाल्लाह माशाल्लाह टोटल जेन्युइन गाड़ी है, क्या बात है। और सबसे जो मज़ेदार बात है, जो मेरी हसरतें हैं, गाड़ी खोलिएगा प्लीज़, माशाल्लाह ब्लैक इंटीरियर वाली गाड़ी है जी, पहला दरवाज़ा अगर आप खोले ना तो बस उधर ही गेम तमाम हो जाती है। माशाल्लाह माशाल्लाह, चेक दिस आउट, क्या खूबसूरत और क्या ही पूरा किस्म का इंटीरियर है, माशाल्लाह। ए बहस हो, सुभान अल्लाह। और ये जिसपे सबसे ज़्यादा आजकल आप लोग मुझे कह रहे हैं जी कि इसका कुछ करें, इसका कुछ करें, चेक करें माशाल्लाह, इसका चेक करें, कितना खूबसूरत और कितना पैक है। ये है जी फवायद, ये ऑटो चल रहे हैं, क्या बात। ये फवायद हैं जी गाड़ी को स्वैप ना करने के, कि आपकी गाड़ी माशाल्लाह माशाल्लाह इस खूबसूरत कंडीशन में रहती है, माशाल्लाह वेरी 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 ब्यूटीफुल। हमारे जनरल वाले रिम्स आ गए हैं जी दाऊद भाई के पास, फिलहाल इन पे रिच है माशाल्लाह, बहुत रिच है, इन्होंने इस पे दूसरे वाले टायर चढ़वा रहे हैं, चार टायर और चढ़ रहे हैं, और जो चार टायर इनकी गाड़ी पे भी फिलहाल लगे हुए हैं वो इन्होंने उतार के रख लेने हैं। अब रिमों की बात हो ही रही है, तो
ये हैं वो रिम्स जो हमारी BMW पे लगने जा रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी वेरी फेवरेट, वेरी वेरी खूबसूरत, और पर्सनली मुझे ये बहुत पसंद है। शुरू से ही पसंद थे, लेकिन जब मैंने दाऊद भाई की गाड़ी पे लगे देखे थे तो मैंने इनको पहले दिन कह दिया था कि दाऊद भाई ये वाले रिम आपने मुझे ही देने हैं। जो दाऊद भाई की गाड़ी पे पहले रिम लगे हुए थे वो भी मैंने ले लिए थे इनसे, और जो अब ये लगे हुए ये भी मैं ले रहा हूँ इनसे। खैर माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत और बड़ा ही साफ सुथरा प्यारा किस्म का रिम है। 17 इंच है, 8.5 JJ है। ऑफसेट इसका अभी फिलहाल मुझे नहीं पता, बाकी हमारे ब्लैक वाले रिम से शायद इक्वलेंट ही आएगा, उतना ही बाहर है ये भी। हमारी गाड़ी के फेंडर हल्के से इससे खुले हुए हैं क्योंकि हमने अंदर से रोल किए हुए हैं। ये माशाल्लाह गाड़ी जेन्युइन है तो इसके फेंडर भी अपने जेन्युइन कंडीशन में है, बट ये रिम जैसे ही देखा था मेरे दिल को लगा था, और ये रिम हम लेने दाऊद भाई के पास आ गए हैं। दाऊद भाई इज़ काइंड इनफ कि वो हमें ये रिम दे रहे हैं और कह रहे हैं जाओ बस ले जाओ ले जाओ। रिम चेंज होने का सारा प्रोसेस ख़त्म हो जाए उसके बाद रिम लेके चलते हैं वापस लाहौर इंशाल्लाह, और बहुत जल्द अपनी गाड़ी में ये लगा भी होगा। दाऊद भाई हमें खींच के KFC खिलाने लेके आ गए यार, थैंक यू दाऊद भाई इन एडवांस। लेकिन आज हमें भूख ही नहीं है नवी चौधरी, काफी के निकले हैं। खैर जी अब जरा कुछ खाना छाना डन कर लें, उसके बाद रिम उतनी देर चेंज हो रहे हैं, रिम शिम चेंज हो जाएंगे, रिम हमें मिल जाएंगे, उसके बाद हम लाहौर शूट रखा है बस रेडी आना। उसके बाद नॉर्मली पार्टी भी वेट कर रही भाई। साहब भाई किधर चले गए थे आप? आपके चक्करों में जा रहा हूं, मैं कोई ऐसा कुछ दलील किया खड़े कर करके अच्छा बना अंदर बैठे टेबल सर्विस मिल गई भाई। ये देखो ना मौसम एंजॉय करने के लिए करना पड़ता है, मौसम के लिए बहुत टाइम लग गया भाई बंदे को दलील कर। चल यार रोटी खुल गई, शफीक अहमद उठ जा होश कर। Eventually थैंक यू जी टू दाऊद भाई एंड साद भाई, और अब रिम टायर लेके चल रहे हैं वापस अपने शहर। दाऊद भाई ने हमें टायर भी दे दिए, कह रहे हैं भाई ये टायर भी पकड़ो, हेलो ये भी लेके जाओ। ठीक है भाई लेट्स गो जी। फ्यूलिंग वंस अगेन 5000 रुपये का, सियालकोटी पेट्रोल भी अब थोड़ा सा डलवाना पड़ेगा क्योंकि तेज चलने की वजह से गाड़ी ने एवरेज बहुत कम की है, और 140-150 की स्पीड पे आए हैं, इस वजह से एवरेज कह लेंगे 8-9-10 होगी मे बी, या उससे भी कम होगी। बट 12 o'clock midnight रहा हूँ मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ये गाड़ी इतनी चलाते ही नहीं। और ये इसके फाइन है। ठीक है सर ठीक है फाइन है, काले शीशे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मुझे 5000 एंटर हो चुके हैं हम अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हुआ है, एम्बुलेंस जगह दो जगह दो जगह दो।